मारा भाई से? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चल रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के? युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छूने। क्षमा युवराज, पहले इसने इस रामन मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है, ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन है इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण अधिकारी नहीं, अधिकारी ईश्वर है। मत युवराज, हम इस दृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप है। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं। पुण्य के? यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए, क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूँ विप्र, विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में, ना कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, ना कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति पर पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शुद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले तो फिर लगाओ जोर।